बारिश काफ़ी तेज़ होता है तो यहाँ पे भूस्खलन हो जाता है, मतलब यहाँ से जो पहाड़े हैं वो नीचे ढह जाती हैं। तो ये देखिए, जब ये ढहती हैं तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा देख रहे हैं, ये सब पूरा पेड़ वोड़ जो है, पेड़ पौधे पूरा यहाँ पर गिर जाते हैं और ये पूरा रोड जाम हो जाता है। देखिए इस समय साफ है, ऊपर भी रोड ही है, रोड चलता है, तो इसलिए यहाँ पर खतरा बना रहता है। जब बाढ़ के जब होता है, जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो यहाँ पर अलर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। देखिए ये देखिए, यहाँ पे छोटा वाला सेब देखिए, हर जगह ऐसा मिल जाता है, छोटा छोटा जो सेब होता है, जो हम लोगों का छोटा वाला सेब आता है, नहीं हम लोग कहते हैं, देखिए ये पेड़ देखिए सेब का, ये ऐसे ऐसे हर जगह ये खड़ा रहता है। और ये नीचे झील है, इसी झील के नीचे देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खड़ा हुआ है। ये देखिए फल लगा हुआ है इसका। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पर। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में हूं और हिमाचल प्रदेश की वादियों को दिखाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। दोस्तों अभी फ़िलहाल 5 बजे का टाइम हो रहा है और हल्का हल्का सा धूप आ रहा है, सूर्य की जो रोशनी है वो आ रही है और मैं देखिए एकदम बिल्कुल वादियों के बीच में हूँ। और आप पीछे देख सकते हैं, ये जो जिस नदी में सुबह मैं स्नान किया था, नहाया था, यही वो नदी है। इधर भी देखिए कलकल की आवाज़, जो झरने की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रहा होगा मोबाइल फ़ोन में, मतलब मेरे वीडियो में। और यहाँ का जो प्रकृति का जो दृश्य है वो काफ़ी बढ़िया है। और जहाँ पे मैं फ़िलहाल खड़ा हूँ इस स्पॉट पे देखिए, एक बढ़िया सा स्कूल है, तो स्कूल के रोड से ही हम आए हैं। और आगे पता चला कि एक मंदिर भी है महादेव का, देखते हैं महादेव का है कि वेणू महादेव के नाम से है फिलहाल। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का जो है प्राकृतिक दिखाता हूँ बैक वाले कैमरे से, काफ़ी बढ़िया लगा जो प्रकृति है, जो नेचर है, यहाँ काफ़ी सुकून भरा है, काफ़ी यहाँ पर शांति है। अभी शाम के टाइम में निकला हूँ टहलने के लिए और तो मैं सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ का दर्शन करवाता हूँ। बगल में ही एक स्कूल है और स्कूल के बगल में इधर देखिए ये जो झरना है और ये सूर्य की जो रोशनी आ रही है, इसके बीच से मैं दिखाऊँगा। जिस नदी में सुबह मैं स्नान किया था वही ये नदी है। देखिए पानी जो हिमालय का जो पानी है ये डायरेक्ट इधर से आता है, ये आते हुए देखिए ऐसे ऐसे करते हुए चारों बगल से चला जाता है। दोस्तों इधर से देखिए ये जो पानी है, निकासी जो इधर से हो रहा है नदी में होते हुए ऐसे किनारे किनारे से चारों बगल से चला जाता है। और इसका जो परिदृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं शाम के समय में कितना सुनहरा, कितना अच्छा लग रहा है। देखिए सूर्य की रोशनी के बीच में झरने का जो आवाज़ आ रहा है, कितना बेहतरीन है। यहाँ पास में देखिए मुक्ति धाम है, कहते हैं ना कि जब आप विचलित होइए, किसी भी टेंशन मुद्रा में होइए, तो आप एक बार शमशान घाट का दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए पास में ही है इधर मुक्ति धाम बना हुआ है एकदम नदी के किनारे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि ऐ मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर अमीर और गरीब का बिस्तर एक है। आह गजब शानदार। देखिए सामने का नज़ारा कुछ इस तरीके से, ये शमशान घाट का है पूरा एरिया, इधर से देखिए ये शमशान घाट है यहाँ का मुक्ति द्वार। झील और झरने का जो अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सुनहरा लग रहा है। ये वेणुगोपाल महादेव का दर्शन कर लीजिए। सर देखिए दर्शन हो गया हम लोगों का, वेणु महादेव जी हैं यहाँ पर अंदर, यहाँ बाबा जी से भी मिले हैं जो यहाँ के मठाधीश्वर हैं, जो यहाँ पे देख रेख करते हैं। अब यहाँ से निकल रहे हम लोग, थोड़ा सा नागिनी देखना है वहाँ पे चौक, क्योंकि रात में निकले थे इसलिए कुछ पता नहीं चला, तो अभी दिन में चल करके वहाँ पे देखना है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। ये वो स्कूल था जो हम आपको दिखा रहे थे इसके पहले, यस स्प्रिंग डॉले एसआर रिसर्च स्कूल। ये देखिए यहाँ के स्कूल कुछ इस टाइप के दिखते हैं। इस रास्ते से हम चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो मकान बना है, यहाँ के अधिकतर मकान दोस्तों ये गुमदाकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़बारी होता है ना, तो क्योंकि बर्फ़ पड़ेगा तो ये सरकने के लिए चाहिए, तो इसलिए वो पूरा जैसे हम लोगों का ढलैया होता है उस टाइप का यहाँ पे मकान नहीं बनता है। यहाँ पर चढ़ाई चढ़ाई है, चढ़ाई उतराई है। अब जिस ढलान से हम जा रहे थे, अब उस ढलान को चढ़ना है और चढ़ने में हफारी मतलब छूट जाता है पूरा, देखिए गर्म होने लगता है क्योंकि हर जगह पूरा पहाड़ी पहाड़ी है, काफ़ी आनंद भरा है, काफ़ी प्रकृति में यहाँ का जो परिदृश्य। अभी देखिए शाम का समय, अब धीरे धीरे हल्का हल्का ठंड लगना शुरू हो गया है। अरे बाप रे। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, चलते हैं नागिनी चौक पर, आपको दिखाते हैं वहाँ का कुछ
जो नज़ारा है। आ गए अब नागनी चौक, जहाँ पर रात में हम लोग उतरे थे, और यहीं पर उतरने के बाद हम लोग गए थे आश्रम में। देखिए शाम का नज़ारा, कितनी ऊंचाई पर वो देखिए पेड़ और सब दिख रहे हैं। रोड देखिए, अरे हिमाचल प्रदेश की बस लगी हुई है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट। और ये छोटा सा यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे छोटा वाला सेब देखिए हर जगह ऐसा मिल जाता है, छोटा छोटा जो सेब होता है, जो हम लोगों के छोटा वाला सेब आता है, नहीं हम लोग कहते हैं, देखिए ये पेड़ देखिए सेब का, ये ऐसे ऐसे हर जगह ये खड़ा रहता है। और ये नीचे झील है, इसी झील के नीचे देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है, ये देखिए फल लगा हुआ है इसका। जहाँ पे रात में हम लोग उतरे थे यही है नागनी चौक, यहीं पे उतरे थे रात में। बारिश काफ़ी तेज़ होता था, यहाँ पे भूस्खलन हो जाता है, मतलब यहाँ से जो पहाड़े हैं वो नीचे ढह जाती हैं। तो ये देखिए जब ये ढहती हैं तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा देख रहे हैं, ये सब पूरा पेड़ वोड़ जो है, पेड़ पौधे पूरा यहाँ पर गिर जाते हैं, और ये पूरा रोड जाम हो जाता है। देखिए इस समय साफ ऊपर भी रोड ही है, रोड चलता तो इसलिए यहाँ पर खतरा बना रहता है। जब बाढ़ के जब होता है, जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो यहाँ पर अलर्ट कर दिया जाता है इस तरीके से। देखिए ये देखिए धीरे धीरे देखिए अंधेरा हो रहा है, अब हम लोग यहाँ से वापसी करेंगे, टहल लिए काफ़ी और शाम का टाइम है आज, तो यहाँ रेस्ट ही करना था। देखते हैं कल का क्या प्लान होता है, तो कल आपको दिखाएंगे। अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ भी चल रही हैं काफ़ी तेज़ स्पीड से, यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं काफ़ी हील भी उसके बाद भी। तो चलिए आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, चलते हैं जल्दी से आश्रम पर।